जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव और हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। हाँ दोस्तों, आज थोड़ी सी ना आज थोड़ी सी तबीयत नासाज है, हल्का हल्कापन महसूस हो रहा है कि शायद फीवर हो सकता है, क्योंकि सुबह से थकान सी महसूस हो रही है। हाँ तो इसलिए आज कोई वीडियो भी नहीं आई है, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बैठ के वीडियो एडिट कर सकूं या कुछ कह सकूं। लेकिन आपके मैसेज इतने ज्यादा आ रहे हैं, इतने ज्यादा मैसेज आ रहे हैं रेगुलर कि राकेश भैया एक अपडेट दो, एक अपडेट दो। आप चाहें तो देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के, मतलब आपके जहाँ कमेंट आते हैं किसी भी वीडियो पे, तो वहां पर इतने मैसेज पड़े हुए कि राकेश भैया एक अपडेट दो, अपडेट दो। जितने भी डीजे सेटअप जा रहे हैं, जहां पर ये हमारे बड़े डीजे सेटअप तैयार होंगे, वो कौन सी जगह पे तैयार होंगे? बहुत लोगों को पता है, जो रेगुलर जाने वाले हैं उन लोगों को तो पता है ही, लेकिन बहुत से ऐसे न्यू कावड़ देखने वाले, डीजे देखने वाले न्यू व्यूअर्स होते हैं, न्यू सब्सक्राइबर होते हैं, या जो लोग कावड़ लेके आते हैं वो लोग हैं, जो नए नए भी जाते हैं वो भी हैं। हाँ तो बहुत सारी इस तरह के पब्लिक्स होती है, जो भक्त होते हैं श्री भोलेनाथ के, वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि हरिद्वार में कहाँ पे डीजे सेटअप तैयार होते हैं या किस तरह से तैयार होते हैं। तो उन लोगों के मेरे पास रेगुलर मैसेज आ रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके उन्हीं चीजों के लिए है। इसी चीज पे मैं अपडेट देने वाला हूं कि जो भी नया बंदा है जिसको नहीं पता है कि भाई डीजे सेटअप कहाँ तैयार होंगे, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बड़े बड़े डीजे सेटअप हैं, चाहे वो आपके ट्रोले वाले हो, चाहे वो आपके ट्रक पे लगाने वाले हो, जैसे इस बार एक बड़ा डीजे नाम बहुत ज्यादा हो चुका है, सार्जन डीजे की अगर हम लोग बात करें, कि एक बड़ा डीजे सार्जन डीजे झारखंड का डीजे आने वाला है, और उसके बारे में ये पता लगा है अभी तक कि वो ट्रक पे बांधेंगे, क्योंकि उन लोगों के यहाँ पर जो कल्चर है वो ट्रक का है। हमारे यहाँ ज्यादातर क्या है, ट्रोले का, ट्रैक्टर ट्रोले का है, या फिर हमारे यहाँ जो टाटा होते हैं, कंटेनर होते हैं, उन पे पीछे की तरफ बढ़ता है, तो इसी तरह ट्रक पे भी पीछे की तरफ सेटअप बनता है। तो ये सारे के सारे डीजे आप लोगों को कहाँ मिलेंगे? तो दोस्तों मैं बताऊँ आप लोगों को, जितने भी ये सारे के सारे डीजे हैं, ये सारे के सारे डीजे जो होते हैं, पतंजलि होता है ना, पतंजलि रामदेव का आश्रम जो है, योगपीठ, बाबा रामदेव का योगपीठ है, पतंजलि आश्रम है, उसके आजू बाजू ही तैयार होते हैं। देखिए, जहां पतंजलि आपका योगपीठ आश्रम है, वहां पर एक फ्लाईओवर भी है, तो वो फ्लाईओवर होता तो उसकी सर्विस रोड पे रहता रह जाता पतंजलि, तो वहीं से ही आपको सारे डीजे मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ डीजे आपको आगे मिलेंगे, कुछ डीजे आपको पीछे मिलेंगे, और 99% जितने भी डीजे सेटअप लगते हैं ना, वो आपको अगर हम इधर मेरठ की तरफ से जाएं, तो आपको हरिद्वार की तरफ से आने वाली जो रोड है ना, उस पे खड़े मिलेंगे, क्योंकि सबको आना आखिर किधर है, सबको आना तो मुजफ्फरनगर और मेरठ की तरफ है ना, तो वो उसी तरफ तैयार होते हैं, इस तरफ हरिद्वार वाली रोड पे ना जाने वाली पे, क्योंकि वो तैयार होंगे। कट का बड़ा खेल है वहां पर, कट बहुत दूर दूर है, क्योंकि हाईवे है तो कट नियर बाय नहीं मिलता है, तो अगर वो इस तरफ तैयार होंगे तो उन्हें पता नहीं कितना घूमना पड़ेगा, तब जाके वो उस रोड पे आएंगे। तो इसीलिए 99% डीजे जितने भी सेटअप हैं, वो सारे के सारे आपको हरिद्वार से जो मुजफ्फरनगर की तरफ को रोड आ रही है ना, उस पर मिलेंगे तैयार होते हुए। और मैं बता चुका हूं कि पतंजलि जो हमारा योगपीठ बाबा रामदेव का आश्रम है, उससे लेकर के आगे की अगर हम हरिद्वार की तरफ की बात करें, तो जो लास्ट टोल बैरियर आता ना, टोल प्लाजा जो आता है, वहां तक तैयार होते हुए मिलेंगे। वहां की भी अगर मैं बात बता दूं आपको, पिछली बार की बात बताऊं, तो वहां पर मोरू डीजे तैयार हो रहा था टोल प्लाजा पे, है ना, तो वो लास्ट पॉइंट है, उससे कोई 10 20 50 मीटर आगे, वहीं ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, लेकिन टोल से ज्यादा आगे जाते नहीं है, आगे की जाने की परमिशन नहीं है। सब लोगों की एक चीज मैं बताऊं कि सब जितने भी डीजे वाले होते हैं ना, ये लोग महीने दो महीने पहले ही हरिद्वार जाना शुरू कर देते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि अपनी जगह पसंद करके आना शुरू कर देते हैं, वहां की जो प्रॉपर्टी होल्डर होते हैं, वहां की जो लोकेशन होती है उसको देख ही आते हैं, उन लोगों से बात कर आते हैं कि भाई हमारा डीजे सेटअप यहाँ पर तैयार हो जाएगा, तो वहां जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अचानक से आप जाए कोई भी बड़ा डीजे सेटअप वाला, तो उसको जगह मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात का सीजन है और डीजे सेटअप अंतुला वजन होता है, बहुत ज्यादा हैवी होता है भाई साहब, एक एक बेस में दो दो ढाई ढाई क्विंटल, डेढ़ डेढ़ क्विंटल का वजन होता है, और जब लगती है ना 35-35, 40-40 ये बेस लगती है, खड़ी होती है, और ट्रोले का वजन, ट्रैक्टर का वजन, जनरेटर का वजन, अटरम का वजन, शटरम का वजन, यानी इतनी सारी चीजें होती है आपकी कि वो कच्ची जमीन में अगर आप खड़े हो तो धस जाएगी नीचे, क्योंकि इतना ज्यादा वेट आ जाता हो। तो ये सब लोग उस जगह को देखते हैं कि जहां पर इस तरह की कोई कंडीशन ना हो, पक्का हो, फर्स्ट क्लास हो, तो ये सबसे पहले देखने वाली बात रहती है, तो इसलिए ये लोग पहले जाना शुरू कर देते हैं। तो ये है बात। हाँ तो इसीलिए सब लोग पहले जाके देख आते हैं, और मैं बता चुका हूं आप लोगों को कहां मिलेंगे, पतंजलि से टोल तक, और पतंजलि से इधर 5-7 किलोमीटर इधर तक, यानी कि ये 10-12 किलोमीटर का पट्टा होता है, इसी में ही आपको सारे के सारे डीजे सेटअप खड़े दिखाई देंगे, और यहीं पर सेटअप भी तैयार होगा, और लास्ट दिन आते आते इनकी कावड़ भी आपको दिखने लगेगी सबकी, वहीं पर सबकी कावड़ भी वहीं पर जाके असेंबल होगी। अगर हम यहाँ की बात करें, जैसे गौरव भाई है, गौरव भाई ने जितनी कावड़ बनाई है,
ये सारी की सारी तैयार हो चुकी है, कपड़ा भी चढ़ चुका, सब काम हो चुका, बिल्कुल रेडी हो चुकी है, लेकिन क्या है जब ये गाड़ी में जाएंगे तो ये पीस ले जाएगी, असली फाइनल वहीं पर जाकर फिक्स होगी। हाँ, तो आपको ये सारी की सारी देखने को वहां पर मिल जाएगी। और मैं बता दूं कब तैयार हो जाएगी, जितने भी डीजे हैं सब 25 में टेस्टिंग लगा देंगे, सबकी टेस्टिंग 25 में लग जाएगी। अगर किसी की नहीं लगी तो हर हाल में 26 तारीख को सबकी टेस्टिंग लग जाएगी। गौर करना दोस्तों जो बता रहा हूं कि 25 तारीख में टेस्टिंग लग जाएगी, अगर 25 में नहीं लगी तो सब डीजे की टेस्टिंग 26 में लग जाएगी और सब लोग 26 में निकल जाएंगे। कुछ लोग अगर रह जाएंगे तो 27 की सुबह हर हाल में निकल जाएंगे, तभी ये लोग मेरठ पहुंच सकते हैं। जो दिल्ली जाएंगे वो हर हाल में 25 को निकल लेंगे, उनको 25 में ही निकलना पड़ेगा। जो डीजे आगे के जाने वाले हैं वो 25 में निकल लेंगे, मेरठ के डीजे 26 में शाम को, नहीं तो 27 की सुबह सुबह वहां से चल पड़ेंगे। और आपके फिर बल्ले बल्ले आपको रास्ते पर कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, प्यार वाला कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। बाकी कितने बड़े डीजे सेटअप इस बार लगते हैं, कितना रहता है, ये गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग पता लगेगी, वहीं पे जाके पता लगेगी। मुझे भी तभी पता लगेगी कि बड़े डीजे सेटअप्स तैयार होते हैं या जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 12 फीट उतने तैयार होते हैं। देखिए ये तो वहीं जाके पता लगेगा, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे सरकार चाहेगी चलेंगे तो वैसे ही हम भी ऐसे ही चलेंगे वीडियो बनाते हुए सरकार के गाइडलाइन में, और आपको भी वही चीज देखने को मिलेगी जो प्रशासन, लोकल प्रशासन चाहेगा। तो ये चीज तो जब यात्रा शुरू हो जाएगी दोस्तों तभी पता लगेगा कितने बड़ा डीजे सेटअप बनता है। बाकी मैंने बता दिया कि आपको कहां मिलेंगे। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं, अपनी बाइक से आना चाहते हैं, तो दिल्ली से अगर आप लोग चलते हैं, दिल्ली की साइड से अगर आप लोग चलते हैं, तो मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद छपार, छपार के बाद आपका पुरकाजी, पुरकाजी के बाद आपका मंगलोर, और मंगलोर के बाद रुड़की के पास आपको सारे के सारे डीजे सेटअप तैयार होते हुए मिल जाएंगे। आप अगर ट्रेन से आते हैं और सीधा आप डीजे सेटअप के लिए आते हैं तो आप रुड़की उतर जाइए, रुड़की से वहीं आ जाइए। हाँ, बस इस रूट पे बंद हो जाएंगी तो बस भी आपको घूमती हुई मिलेंगी, तो देख लीजिए आप कैसे कैसे आते हैं। बाकी मैंने बता दिया कि डीजे सेटअप कहां तैयार मिलेंगे। और डीजे सेटअप के साथ बताऊं ना, जल जब आते कावड़ के लिए, तो जितने भी ये भोले होते हैं जो पैदल, देखिए सारे के सारे भोले पैदल चलते हैं, अपनी बड़ी बड़ी कावड़ लेके, बड़ी विशाल कावड़ होती है जिसमें लेके 50 किलो से लेकर के 1 क्विंटल तक का वजन हो जाता है, और ये सारी की सारी कावड़ आपको डीजे सेटअप के पास ही तैयार मिलेगी, लेकिन जल आएगा हर की पैड़ी से। तो ये भोले माना अगर ये 26 को निकल रहे हैं तो 26 की सुबह सुबह पहले जाएंगे हर की पौड़ी, वहां पर गंगा स्नान करेंगे, अपना अपना जल भरेंगे, अपनी अपनी कैन भरेंगे जो इसको जैसे भी लाना, और ला करके छोटी छोटी कैन आपकी कावड़ में रख दी जाएगी, वो होता मेन जल। बाकी ये सारे के सारे भोले जो करते हैं ये अपना जल ला करके ट्रोले पे बांध देते हैं, और अगर किसी को अपना जल अपने साथ लेके चलता तो वो बंदा खुद पे लेके चलता अपना जल, नहीं तो ज्यादातर क्या करते हैं भोले अपना जल ला करके ट्रोले पे बांध देते हैं, मेन जल पहुंच जाता है कावड़ में, वो बाद में सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या ये कहो कि इकट्ठा होके जल शिवलिंग पे चढ़ जाता है लोगों की तरफ से। तो इस तरह का प्रोसीजर होता है। तो मैं समझता हूं आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी। और रही बात यहां से डीजे सेटअप निकलने की, तो डीजे सेटअप कुछ कल निकल जाएंगे, 19 तारीख है आज, सारे के सारे डीजे सेटअप अभी तक कोई नहीं निकला मेरठ में से, कोई डीजे सेटअप यहां से नहीं गया है, लेकिन उम्मीद है कि कल निकल जाएंगे। कल 90% डीजे आपको कल यहां से चले जाएंगे, बाय चांस कोई अगर रह जाता है तो उसे हर हाल में 20 तारीख को यहां से निकलना होगा। हाँ, तो ये मेरठ के डीजे सेटअप की आपको जानकारी मैं समझता हूं मिल गई होगी। और लेते रहो बाबा का नाम और कदम बढ़ाते रहो, तो पहुंचो फटाफट हरिद्वार कावड़ यात्रा 2024 में, तो वहीं मिलेंगे, आपका दोस्त आपका भाई भी मिलेगा वहीं, राकेश तोमर मुमक्कड़, और जितने भी बंदे आते हैं, जितने भी भोले आते हैं, सबसे मुलाकात करना दोस्तों। कुछ को मैं ढूंढूंगा, बाकी आप मुझे ढूंढ लेना, वहीं पे मिलूंगा, उसी एरिया में मिलूंगा। आप चाहे मैसेज कर सकते हैं, आप चाहे फोन कर सकते हैं, मुलाकात होगी आपसे। हाँ, यादें शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ अपनी, और बाबा का नाम लेते हुए हरिद्वार से चल करके अपनी अपनी मंजिल को पहुंचेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और कल की और आज शाम की वीडियो का इंतजार करना जो आने वाली, बड़ी बड़ी वीडियो आने वाली है।